आईटीबी फाउंडेशन के तत्वाधान में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में हेंसेफेलाइटिस मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैंप का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात फाउंडेशन के लोगों ने हेंसेफेलाइटिस निःशुल्क चिकित्सा कैंप की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 बच्चों को हेंसेफेलाइटिस बचाव किट्स भेंट किया। शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता व शुद्ध पेयजल से जेई एईएस को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी ही बीमारियों की जननी होती है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से आह्वान किया है कि वह इस बीमारी के लक्षण व बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई से 30 जुलाई तक 38 जनपदों में बच्चों के लिए हेंसेफेलाइटिस वैक्सीन अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, फाउंडर के कार्तिकेय शर्मा, सीडीओ अनुज सिंह सहित एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आईटीबी फाउंडेशन देश का एक बड़ा मीडिया समूह, आईटीबी नेटवर्क, आईटीबी फाउंडेशन आयोजित कर रहा है इसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आज, और इस मुहिम में सक्रिय सहयोग कर रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो, इसके लिए मैं सभी माननीय आईटीबी फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री जी, आपने आईटीबी समूह का निमंत्रण स्वीकार करके आज हमें सामाजिक की बात को कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी, 50 करोड़ से ज्यादा दर्शकों और पाठकों तक पहुंच रखने वाले आईटीबी समूह नीति निभाने को लेकर छटपटाहट अभी भी बाकी रह गई है। हमने सोचा कि आगे जाकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को तो लगेगा कि मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूं, पर मेरी धर्मपत्नी ऐश्वर्या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं ने इसकी असल में बागडोर संभाली है। ऐश्वर्या जी ने अपनी सैलरी से जो बन पड़ा हर महीने जरूरतमंद परिवारों को सहायता चेक गोरखपुर तक पहुंचाए। ऐसे ही एक छोटी छोटी से कदमों से हम आज यहाँ 3 दिन का एक हेल्थ कैंप तक पहुंच गए हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। हेल्थ कैंप को डॉक्टर नरेश त्रिहन जैसे जाने माने व्यक्ति और उनके मेदांता ग्रुप का सहयोग मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यूपी चैप्टर ने हमें केवल सहयोग ही नहीं मिला है, बल्कि आईएमए के डॉक्टर्स कैंप में तीनों दिन रहेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे, और ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, हमने दिमागी बुखार के इलाज को प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा है, और हम ऑडियो विजुअल और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से मरीजों और उनके परिवारों को स्वच्छता के जरूरी क्या है समझाने के प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए
सिद्धि पांडे के बाद रोशनी पुत्री रामेश्वर, रोशनी पुत्री रामेश्वर। संकेत के बाद मंच पर आ जाए आदर्श, मंच पर ये सभी मेरा वही नाम है आदर्श। के बाद शुभम पुत्र रामायण प्रसाद, शुभम ऐसे घूम जाना, शुभ बेटा से घूमो इधर इधर। शुभ के बाद करीना, शुभ माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को डेटॉल की सुरक्षा किट प्रदान कर रहे हैं जिससे बच्चे स्वस्थ रहे, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। करीना के बाद आमीना पुत्री अब्दुल अजीज, कुछ लाइनें अगर मुझे याद आ रही है, मौत अगर सत्य है तो सत्य को परास्त कर, मौत अगर सत्य है तो सत्य को परास्त कर, शान से जी अभिना जिंदगी से लाल कर, मौत अगर सत्य। कार्यक्रम में आईटीजी के फाउंडर एंड प्रमोटर विकास के संबंधित आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर भारती त्रिपाठी जी, सुशेश्वरा पंडित जी, आदिवाड़ी के मोहन जी, आईटीबी फाउंडेशन से जुड़े के सभी पदाधिकारीगण, आईएमए गोरखपुर के सभी पदाधिकारी उपस्थित, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े के पदाधिकारी उपस्थित भारतीय प्रमुखों, मैं आईटीबी फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये विशेष स्वास्थ्य कैंप आयोजन गोरखपुर ने किया है। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ किट भी वितरित किए गए हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूसरों की आलोचना तो करते हैं लेकिन किसी एक अभियान को हम केवल सरकार की या एक संगठन की एक संस्था की अभियान मान करके उसको सीमित कर देते हैं। दिमागी बुखार इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977-78 से अपनी कहर कर पा रहा है। 1977-78 में जब पहली बार दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया था तो उस समय किसी को भी पता नहीं था कि ये बीमारी है क्या। नौ की बीमारी के रूप में लोगों ने उस समय यहां पर सैकड़ों बच्चों की मौत को अपनी आंखों से देखा और 1977-78 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ शासन प्रशासन के स्तर पर कभी भी इसे गंभीरता से लेने का कार्य नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि भारत में 1977-78 में बीमारी आई हो, इस देश के अंदर यह बीमारी 1956 में पहली बार तमिलनाडु में देखने को मिली थी, तमिलनाडु से उड़ीसा वेस्ट बंगाल होते हुए यह असम भी गई और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कुशीनगर देवरिया महाराजगंज
सिद्धार्थनगर और आसपास के जनपदों में भी फैली। 1998 में जब गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाकर के भेजा, एक बार हमारे कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि ग्यारी मेडिकल कॉलेज में मौखिक बीमारी से बहुत सारे बच्चे भर्ती हैं, उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ग्यारी मेडिकल कॉलेज गया था, मैंने देखा कि एक ही बेड में चार चार बच्चे लिटाए गए हैं, वार्ड में पंखे नहीं थे, यही महीना था जुलाई के अंत का समय था, बड़ी बदबू थी वार्ड में भी, और वार्ड के टॉयलेट की तरफ जब मैं गया तो उसमें आधा आधा पेट पानी भरा हुआ था। तो मैं वहां से ब्यारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से मुलाकात करने के लिए गया, तो प्रधानाचार्य को मेरी उपस्थिति बड़ी बुरी लगी, लेकिन उस सबके बावजूद जब मैंने उनसे कहा कि बड़ी बड़ी व्यवस्था है, उन्होंने कहा था हमें कुछ साधन चाहिए, अपने कभी सफाई तो आप कर ही सकते हैं, इतनी बदबू है वार्ड में, इनसे इंसेफ्लाइटिस के मासूम बच्चे भर्ती हैं, एक एक बेड में चार चार बच्चे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, न दवा की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न वहां पर शौचालय ही साफ है। तो खैर उन्होंने मुझे एक सोची थी, उन्होंने कहा कि ये सामान अगर हमें मिल जाएंगे तो हम तो कुछ कार्य कर पाएंगे। उसमें उन्होंने 100 बेड की व्यवस्था मांगी थी, एसी मांगे थे, बेडशीट मांगे थे और भी तमाम सामान मांगे थे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने प्रदेश सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, तत्काल बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं गोरखपुर के अपने व्यापारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा और एक सप्ताह के अंदर ही 100 बेड, 100 बेडशीट, एसी और अन्य सामग्री लेकर के मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मैंने हमारे प्रधानाचार्य से कहा कि भाई ये सामान आप दीजिए, अपने बच्चों को कम से कम व्यवस्था दे दीजिए ठीक से। और उसके बाद तब तक मेरी राज्य सरकार से बातचीत हो गई कि राज्य सरकार ने तब से व्यवस्था की कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हम लोग देंगे। ब्यारी मेडिकल कॉलेज में उपचार निःशुल्क प्रारंभ हुआ, प्रदेश सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई, उपचार की व्यवस्था भी आगे बढ़ी। जब मैं संसद में इस मुद्दे को रखना चाहता था तो मुझे रोका गया पहले, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और उससे कहा गया कि तो राज्य का विषय है, राज्य को रखना है, आप राज्य सरकार से बातचीत करिए। हमने कहा कि इंसेफ्लाइटिस एक राज्य का विषय नहीं हो सकता है, ये बीमारी के बारे में जब मैंने पढ़ा है, देखा है, तमिलनाडु में भी है। मैंने कहा समय 2 मिनट भी बहुत है, एक बार अवसर मिले तो फिर हम लोग अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और भाइयों बहनों, पहली बार संसद में मुझे केवल 2 मिनट का समय मिला था इंसेफ्लाइटिस पर बोलने के लिए, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे साथ साथ वहां पर लगभग 12 से 15 सांसद खड़े होने के साथ ये बीमारी तो हमारे यहाँ भी है, इसके उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और फिर हम लोगों ने तब से जो अभियान प्रारंभ किया, उस अभियान का परिणाम है कि आज इंसेफ्लाइटिस को हम 5% से नीचे ला करके इस बीमारी को उन्मूलन की दिशा में लेकर के आए हैं। लेकिन इसका एक नया वायरस आया है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। आप सब जानते हैं जब जापानी इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने इसके उपचार की व्यवस्था प्रारंभ कराई, इसके लिए वैक्सीन की बात शुरू हुई, तो भारत के अंदर जो तकनीक थी वो माउस कल्चर की थी, मात्र 3 से 4 लाख वैक्सीन भारत के अंदर बनते थे। जब मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री से बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा आपको 1 लाख वैक्सीन हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से दे देते हैं, आप अपने संसदीय क्षेत्र में जहां लगाना चाहते हैं लगवा लें। मैंने कहा 1 लाख वैक्सीन हमारे लिए वैसे ही है जैसे खून के मुंह में जीरा जैसे, 1 लाख वैक्सीन से नहीं काम चलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी है
जो क्षेत्र से प्रभावित हैं वहां की आबादी है 3 करोड़। अगर मैं जी 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों की संख्या को जोड़ूंगा तो एक बनती है 1 करोड़। मुझे कम से कम एक बच्चे को अगर 2 वैक्सीन देने होंगे तो कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन मुझे चाहिए। सरकार ने कहा हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे पास बनते ही 4 लाख वैक्सीन है, हम कहां से इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन भरेंगे। हमने कहा कि दुनिया के अंदर देखा जाना चाहिए, इसमें कोरिया ने शोध किया है, जापान ने शोध किया है, इस पर चीन ने शोध किया है, हम उनके शोध को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते और माउस कल्चर से हम इसको आगे ले जा करके क्यों नहीं किसी अन्य ऐसे उस पर लेकर के जाते हैं जहां बृहद स्तर पर हम इसके माध्यम से इस बीमारी का उपचार कर सके। और हमारी मुहिम रंग आई जब भारत सरकार ने एक साथ पहली बार इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मेरे कहने पर 2005 में 2003 में ऑर्डर गए, 2005 में वैक्सीन यहां लगना प्रारंभ हुआ और 1 करोड़ वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मिले और हम लोगों ने 2005 में पहली बार यहां पर इंसेफ्लाइटिस जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया। लगातार यह ध्यान चला लेकिन इसमें लापरवाही भी समय समय पर बरती जाती रही। एक मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं इंसेफ्लाइटिस में चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो, केवल हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं या मीडिया ग्रुप है, यह स्वच्छता के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति अभियान चला रहे हैं और सभी लोग केवल अभियान ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़ करके भागीदार बन के आम जन को इसके प्रति जागरूक कर लें तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का 90% समाधान स्वतः हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस बीमारी चाहे वह जेई हो चाहे जेईएस हो ये रहेगी ही नहीं और जो मात्र 10% बचेगी उसके लिए समय पर उपचार। हम लोगों ने इसके पूरी व्यवस्था की, आपने देखा होगा विगत वर्ष भी हम लोगों ने अभियान चलाया था, इस वर्ष हम लोग फरवरी माह से इस अभियान को चला रहे हैं, अप्रैल में 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जिन 38 जिलों को इंसेफ्लाइटिस से संवेदनशील माना है उन 38 जिलों में हम लोगों ने वैक्सीनेशन का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस दौरान 34 लाख बच्चों को हम लोगों ने वैक्सीन दिए हैं इंसेफ्लाइटिस से। 34 लाख बच्चों को इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन के साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम पूरे अभियान का चलाया गया। मैं अभी देख रहा था, मैंने किट खोल करके इसलिए दिया, देखा है कि किट में क्या क्या दे रहे हैं कार्तिक जी, आईबीबी फाउंडेशन क्या दे रहा है किट में और मैंने देखा मुझे अच्छा लगा इन्होंने वहां पर साफ सफाई से जुड़े हुए ही उपकरण उसमें रखे हैं, खासतौर पर जैसे हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश उसमें मौजूद है, ऐसे ही स्वच्छता के प्रति जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा हो सके उस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक साबुन उसमें है सब कुछ है। याद करिए विगत वर्ष हम लोगों ने मई महीने में इंसेफ्लाइटिस के लिए अभियान चलाया था और इंसेफ्लाइटिस के अभियान के लिए कुशीनगर के मुसर बस्ती में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने साबुन वितरण करके दिखाया था तो कुछ लोगों ने दिखाने का प्रयास किया था कि दलितों का अपमान हो रहा है। यानी स्वच्छता के लिए अगर सरकार एक अभियान चलाती है तो कितनी नेगेटिव रूप से उस समाचार को प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ था और आज आईटीबी उसी कार्य को कर रही जिसे विगत वर्ष सरकार कर रही थी। आप सोच सकते हैं ये जो आलोचनात्मक मानसिकता है जब तक यह नहीं दूर होगी तब तक सिर्फ पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अगर किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो सकारात्मक रवैया हमारा होना ही होगा, इसकी जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा, उस बीमारी की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। हम लोगों ने इसी वर्ष इसीलिए 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक
पुस्तक अभियान के माध्यम से पहले चरण में स्वच्छता का विशेष अभियान 38 जनपदों में प्रारंभ किया। 34 लाख से अधिक बच्चों को इंसेफ्लाइटिस के निःशुल्क वैक्सीन दिए, क्योंकि वैक्सीन लगने के साथ, यद्यपि वैक्सीन लगने का सबसे अच्छा समय है फरवरी महीने का, क्योंकि फरवरी माह में जब वैक्सीन लगाएंगे जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक्टिवेट होने में 3 से 4 महीने का जो समय लगेगा वह इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि वह उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की रेजिस्टेंस पावर पैदा करेगा जो इंसेफ्लाइटिस के वायरस को मार सके या उसको रोक सके। और उस दृष्टि इसके लिए यह कार्रवाई होनी आवश्यक है। इसके वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का मेंटेन होना वह भी महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार लापरवाही के कारण ध्यान नहीं दिया जाता है। वैक्सीन लगाते समय उसका ध्यान रखना यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा, स्वच्छता के प्रति विशेष अभियान, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग 2 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक फिर से इस अभियान को एक बार पुनः प्रदेश सरकार ने उन सभी 38 जनपदों में लेने का कार्य प्रारंभ किया है, जिन 38 जनपदों में ये किसी न किसी रूप में इंसेफ्लाइटिस मौजूद है। वैक्सीन से आप जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकथाम तो कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के लिए आवश्यक है कि उसके लिए हम स्वच्छता के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति लोगों को जागरूक करें। स्वच्छ पेयजल और वहां पर स्वच्छता का एक विशेष अभियान, हर घर में व्यक्तिगत शौचालय को खुले में शौच को रोका जाए, यह एक बड़ी उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की ओर अग्रसर है, और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बीमारियां हैं खुले में शौच भी इसका एक कारण है। दूसरा, गांव में सफाई या शहर में सफाई, आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई मांगलिक आयोजन होता है, किसी भी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई भी आयोजन घर में होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कप गिलास या फिर इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करने के बाद फिर घर से बाहर फेंकते हैं, और फिर सफाई करते करते बगल अपने घर के पास जो नाला होता है, नाली होती है, उसमें गिरा देते हैं, पूरा नाला ब्लॉक हो जाता है, पानी ओवरफ्लो करेगा तो आसपास नहीं बचेगा। स्वाभाविक रूप से हम लोगों को अपने यहां मानवीय कार्य के लिए पानी कार्यक्रम में बनाते हैं, अपने मंगल कामना उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जाते हैं, लेकिन अपने कृत्यों से दूसरों के अमंगल का कार्य भी हम कर देते हैं। आखिर अमंगल ही है जब हम लोग अपने घर में होने वाले किसी कार्यक्रम में प्लास्टिक के कप गिलास या जो भी पॉलिथीन होता है, सब्जी के छिलके होते हैं, अन्य जितना भी बचा हुआ भोजन होता है, सबको बगल की नाली में गिरा देते हैं, और नाली चौक हो जाती है, उसके बाद पानी ओवरफ्लो करता है, गंदा पानी ओवरफ्लो करता है, आस पास के पूरे मोहल्ले में गंदगी फैलती है, लोगों को परेशानी होती है। इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि सरकार पॉलिथीन पर रोक लगाए, प्लास्टिक के कप गिलास या उसकी प्लेट को रोके, मुझे लगता है हमें स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, और करेंगे उसका उचित निस्तारण भी करेंगे, जहां तहां नहीं गिराएंगे, नालियों में नहीं गिराएंगे, सड़कों में नहीं फेंकेंगे। एक आंधी चलती आप देखते होंगे प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के पॉलिथीन उड़ता हुआ हवा में दिखाई देता है, कितनी खराब स्थिति बनती है। अगर कुछ लोग सफाई करते भी हैं तो कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक को इतना सिकुलर तो नहीं है कि वह जिसने फेंका उसी के घर में रहेगा, वो तो सड़क में जहां गिरा उसके बाद जहां हवा का रूप चला और जहां तक हवा उसको उड़ा के लेके जाएगी वहीं तक पहुंच जाएगा।
और ये स्थिति हम सबको अक्सर देखने को मिलती है, हम सब इसके बारे में जागरूक हो। यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकना है तो स्वच्छता तब भी आवश्यक है, और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस को रोकना है तो स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल उसके लिए भी आवश्यक है। हम सब इसके बारे में जागरूक हों, इसके बारे में बताएं, लोगों को बताएं। ये कार्रवाई तो सावधानी की है जिसमें हम जागरूकता के माध्यम से आम जनता को इसके प्रति पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। सावधान और बीमारी के पहले रोकथाम की दिशा में एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है बिना कुछ अतिरिक्त प्रयास के हर व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ले तो हम इसके माध्यम से बड़ा कार्य कर सकते हैं। और दूसरा जो सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा का है, इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है प्रदेश के अंदर 20 जिलों में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में छोटे बच्चों का यानी पीडियाट्रिक्स का एक आईसीयू स्थापित करने का, जिससे हर जिले में उपचार लोगों को मिल सके। हर जिला चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था होगी, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की व्यवस्था होगी। हम लोगों ने अप्रैल महीने के बाद से ही बिहारी मेडिकल कॉलेज में और लखनऊ में केजीएमयू में जो डॉक्टर इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में खासतौर पर बाल रोग विशेषज्ञ पैरामेडिकल का जो स्टाफ और नर्सिंग का जो स्टाफ होगा उसकी विशेष ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, और आपको मुझे बात की प्रसन्नता है 63,000 से अधिक लोगों को अब तक इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है गोरखपुर में भी और केजीएमयू लखनऊ में भी, जिसके समय पर उपचार हो। आपने देखा होगा एक बालिका आई थी यहाँ पर, बीमारी के बाद समय पर उपचार नहीं मिला होगा, आज भी वो बोल नहीं पाती है, बीमारी के कहते बोलती है लेकिन आज अभी बोल नहीं पा रही है। उसको इसकी थेरेपी एक अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। गोरखपुर में वो सेंटर है, वहां जाएं देखें। यद्यपि हम बिहारी मेडिकल कॉलेज में भी एक सीआरसी कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसमें इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए अगर कोई उस बीमारी की चपेट में आ ही गया तो जीवन भर शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का शिकार न रहे बल्कि उसको समय पर उपचार की सुविधा के साथ साथ पुनर्वास की व्यवस्था हो सके, इसके लिए भी हम लोग एक नया सेंटर बिहारी मेडिकल कॉलेज में खोलने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उपचार के लिए हर जनपद स्तर में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हर जिला चिकित्सालय को इसके लिए तैयार किया है। हम लोगों ने पीआईसीयू यानी पीडियाट्रिक्स का जो आईसीयू होना है, छोटे बच्चों की जो आईसीयू स्थापित होने हैं, लगभग हर जिला चिकित्सालय में हो गए हैं और हर जिले में एक प्रमुख जो ब्लॉक विकास खंड ज्यादा प्रभावित था उन विकास खंडों में भी एक ऐसे पीएसयू की स्थापना हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इस वर्ष हुआ फंक्शन में आएगा और कार्य करेगा। बिहारी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने वेंटिलेटर्स भी बढ़ाए हैं और बेड्स भी बढ़ाए हैं जिससे कहीं कोई समस्या नहीं होगी, लगातार इस पर कार्य हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कई ग्राम प्रधानगण भी हैं, नगर निकाय के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा उनकी सावधानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और सावधानी सूख में कि अगर बीमारी के कोई लक्षण किसी बच्चे में दिखते हैं वे तत्काल एम्बुलेंस बुलवा करके उन्हें नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था करें। मिशन की इस मुहिम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद होगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने के इस मुहिम में अन्य संगठनों को, चाहे वह स्वयंसेवी संगठन हो, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो, मीडिया ग्रुप हो या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले सुधीजन हो, ये सभी लोगों की का सहयोग इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आज एक बार पुनः फाउंडेशन को इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।